पान बीड़ा तो रोज़ ला के खाते हैं, तो इस बार सोचा कुछ अलग बनाएं। तो ये पान बीड़ा मैं लेके आई है और इसको अभी हम डालेंगे मिक्सर के अंदर। देखो खोल रही हूँ, ये मीठा वाला नहीं, नॉर्मल जो सिर्फ बगैर मीठा का रहता है, बगैर गुलकंद का रहता है, नॉर्मल बीड़ा है। देखिए सुपारी और कुछ मसाले हैं, शक्कर वगैरह कुछ नहीं है इसमें, गुलकंद भी नहीं है, बस पान का कुछ मसाला है और दो पान हैं। तो अभी इसको हम पीस लेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर अभी डालेंगे हम शक्कर, बिकॉज़ ये बिल्कुल मीठा नहीं है, तो थोड़ी सी शक्कर डाली हमने। और कम भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा दूध, ताकि पहला सब मसाला पिस जाए, वो अच्छी तरह से पिसने के लिए पहला थोड़ा मिल्क डालना है। तो थोड़ा सा मिल्क डाल के अभी पीस रहे हैं हम। ये देखिए स्टार्ट हो गया पीसना। ये हो गया पीस के। अभी ये देखिए रेडिश कलर का हुआ है, ऑलमोस्ट सब ग्राइंड हो गया है, कुछ भी पत्ता वगैरह कुछ बचा नहीं। तो अभी एक आधा ग्लास दूध डालना है इसके अंदर, थोड़ा आधा से ज़्यादा, एक ग्लास चाहिए तो मिल्क शेक का। तो इतना दूध मैंने डाल दिया, अंदाजे से डाली हूँ, कुछ मैंने मेजरमेंट लिया नहीं, बस ऐसे ही। अब इसको भी ग्राइंड करना है अच्छी तरह से मिक्सी में। अब ये भी हो गया, ये पूरा उसका प्रेशर भी निकल गया, टाइट था ज़रा। देखो ये पूरा अच्छी तरह से मिक्स हुआ, कितना प्यारा सुंदर लग रहा है ना। अभी इसके अंदर डालने का, ग्लास के अंदर डालने का, देखो बहुत टेस्टी बनता है। पीने के बाद इतना फ्रेश और टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा पीने को। ज़रूर ट्राई करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।